देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर इस विशेष रिपोर्ट पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऑटो स्टैंड पर ड्राइवरों के लिए नहीं है मूलभूत सुविधाएं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं और वहां से फिर अपने स्थान पर जाने के लिए बस, ऑटो आदि का सहारा लेते हैं। यहां ऑटो टैक्सी स्टैंड तो पर ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जैसे पीने का पानी, शौचालय आदि। इस पर हमारे संवाददाता मोहम्मद अनीस की एक रिपोर्ट। खड़े हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, यहाँ पर ऑटो वाले खड़े हैं बहुत सारे। इनके लिए किसी प्रकार का जो वो होना चाहिए था स्टैंड पे पानी और जो स्टैंड पर वो होनी चाहिए था, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो स्टैंड वालों के ओला उबर और लोगों के लिए होता है। ये बहुत सारी ऑटो वालों की शिकायत है। ऑटो वाले यहाँ पर कहते हैं कि जो होना चाहिए और हम लोगों को पानी नहीं मिलता और जो सुविधा ओला वालों की उबर वालों की एयरपोर्ट में है या स्टैंड पे है तो नहीं होती। तो लगता है कहीं ना कहीं कि इन्हें ऑटो वालों को भी होनी चाहिए ये सुविधा, जबकि शिकायत तो ये ओला वालों से उबर वालों से नहीं है बल्कि समाज से उससे है, जो सिस्टम है सिस्टम में होनी चाहिए। बल्कि ये बहुत ज़रूरी है कि बैट भी घटता है तो उन्हें इस तरीके का नंबर मिलना चाहिए पहले।